Students, how are you? I hope you all will be fine and safe at your home. As you know, we started your online classes, so let's start our class. देखो फ़र्स्ट टॉपिक आपकी बुक uh, में जो मैथ में फर्स्ट चैप्टर है वो आपका रिविज़न का दिया हुआ है तो पहले हम लास्ट ईयर यानी जो प्रीवियस ईयर क्लासेज में आपने जो टॉपिक्स पढ़े थे उन टॉपिक्स का एक बार रिवाइज़ करेंगे यानी उसका रिविज़न करेंगे देन हम आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आज हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की क्लासेज का जो रिवीजन है वो करते हैं जैसे इसमें मैंने फर्स्ट दिया आपकी काउंटिंग यानी इसमें हमने नंबर लिए हैं वन से हंड्रेड तक की काउंटिंग किस तरीके से करते हैं इसमें एडिशन कैसे किया हमने सब्ट्रैक्शन कैसे किया मल्टीप्लाई कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है तो ये सारा एक बार रिवाइज करेंगे हम और फिर हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जैसे आपका फर्स्ट इसमें दे रखा है फिल इन द मिसिंग नंबर्स यानी जो एक बॉक्स मैंने बना रखा है यहाँ पर इसमें मैंने कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं और बाकी आपको में फिलअप करना है जैसे आपका दे रखा है वन, वन के बाद क्या आता है टू तो यहाँ जाएगा टू देन फिर थ्री फिर फोर फिर आएगा फाइव फिर आएगा आपका सिक्स ठीक है देन सेवन मैंने दे रखा है फिर आएगा आपका एट फिर आएगा नाइन फिर आएगा टेन यानी एक तरीके से आपको इसमें क्या करना है आपकी काउंटिंग कंप्लीट करनी है ठीक है तो वन से टेन तक की मैंने आपको बता दी देन टेन के बाद आपका क्या आता है इलेवन तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इस बॉक्स में इलेवन फिर आएगा आपका इसमें ट्वेल्व इसमें आएगा थर्टीन इसमें आएगा फोरटीन और फिफ्टीन मैंने लिख रखा है देन आपको लिखना है फिफ्टीन के बाद फिफ्टीन के बाद आएगा, आएगा आपका सिक्सटीन फिर आएगा सेवनटीन फिर एटीन फिर नाइन्टीन और फिर ट्वेंटी ठीक है तो इस तरीके से आपको आपकी काउंटिंग फिल फिलअप करनी है तो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है आप आगे ट्राई कीजिएगा इसमें वन से हंड्रेड तक की ओनली काउंटिंग लिखी गई है ठीक है जैसे आपके नाइन्टी थ्री दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा नाइन्टी वन फिर आया आपका नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री मैंने दे रखा है फिर आया नाइन्टी फोर फिर आया नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन और देन हंड्रेड तो इस तरीके से आपको इसमें इस टेबल में आपको क्या कंप्लीट करनी है आपकी काउंटिंग कंप्लीट करनी है वन से हंड्रेड तक की ठीक है तो ये तो आपको इजीली आती होगी ये तो आप कंप्लीट कर लोगे ओके okay? तो हम हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट हमारा क्या है फिल इन द मिसिंग नंबर बाय काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी इसमें आपको फॉरवर्ड नंबर में भी कुछ जो मिसिंग नंबर है वो लिखने हैं और कुछ नंबर्स मैंने बैकवर्ड फॉर्म में दे रखे हैं तो आपको जो मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है जैसे आपका फर्स्ट मैंने दे रखा है इसमें फिफ्टी वन देन फिफ्टी टू तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा फिफ्टी थ्री यहाँ क्या आएगा आपका फिफ्टी फोर यहाँ कितना आएगा फिफ्टी फाइव यहाँ आ गया आपका फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन मैंने दे रखा है ऑलरेडी तो यहाँ आ जाएगा आपका फिफ्टी एट यहाँ आएगा फिफ्टी नाइन और यहाँ आएगा सिक्सटी यानी एक तरीके से इसमें भी आपको क्या करना है आपकी काउंटिंग कंप्लीट करनी है यानी जो काउंटिंग नंबर है आपके वो कंप्लीट करना है लेकिन कुछ में आपको ये बैकवर्ड फॉर्म में दे रखा है कुछ में आपको दे रखा है ये फॉरवर्ड में जैसे ये आपका फॉरवर्ड में हो गया इसमें देखो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स फिर क्या आएगा ट्वेंटी सेवन आएगा ट्वेंटी एट फिर ट्वेंटी नाइन आएगा फिर आएगा थर्टी तो ये भी आपका फॉरवर्ड में दे रखा है फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ते हुए जाना है हमें ठीक है जैसे आपका ये सी ऑप्शन देखो जो ये सी नंबर में क्वेश्चन है ये आपका किस फॉर्म में दे रखा है बैकवर्ड फॉर्म में देखो इसमें हमने पहले क्या लिखा सेवनटी फिर क्या आया सिक्सटी नाइन फिर आया सिक्सटी एट और यहाँ पे फिर क्या आएगा सिक्सटी सेवन फिर सिक्सटी सेवन से पहले क्या आता है सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स से पहले क्या आता है सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव से पहले क्या आता है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर से पहले क्या आता है सिक्सटी थ्री और सिक्सटी थ्री से पहले क्या आता है सिक्सटी टू और सिक्सटी टू से पहले क्या आता है सिक्सटी वन तो ये आपकी किस फॉर्म हो गई ये फॉर्म कौन सी होगी आपकी ये बैकवर्ड फॉर्म हो गई इसी तरीके से ये डी ऑप्शन भी मैंने आपको बैकवर्ड फॉर्म का दे दे रखा है तो इसको आप मुझे कंप्लीट करके बताओगे आप खुद ट्राई करोगे कि इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे ठीक है तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ये हम हमारा ओनली लास्ट ईयर की क्लासेस का रिविजन कर रहे हैं अभी हमने आपको कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं किया ओके आपका थर्ड क्वेश्चन देखो राइट द नंबर्स फोर द गिवन नंबर्स नेम यानी जो नंबर आपको दिए गए हैं उनका नेम लिखना है आपको ठीक है नेम लिखने का मतलब जैसे आपको ये नेम दे रखा है सिक्सटीन तो आपको इसको काउंटिंग लिखनी है ठीक है काउंटिंग में कैसे लिखोगे सिक्सटीन को आप क्या लिखते हो सिक्सटीन कैसे लिखा जाता है वन और सिक्स ये आपका क्या होता है सिक्सटीन होता है फिर मैंने दिया इसमें नाइनटीन नाइन्टीन कैसे लिखते हो वन और नाइन ये हमारा नाइनटीन है फिर है फिफ्टी एट फिफ्टी एट कैसे लिखोगे फ़ाइव एट आपका क्या हो गया फिफ्टी एट इसी तरीके से आप नाइन्टी फाइव लिख के बताना मेरे को और थर्टी लिख के बताना कि किस तरीके से लिखते हैं ठीक है ये आप खुद ट्राई करोगे नेक्स्ट आपका देख है राइट द नंबर्स नेम फॉर द गिवन नंबर्स यानी आपको नीचे जो नंबर दिए गए हैं उनको आपको नेम में लिखना है यानी वर्ड्स में लिखना है जैसे आपका यहाँ क्या दे रखा है इलेवन तो इलेवन को आप कैसे लिखते हो इलेवन को किस तरीके से लिखते हो ई एल ई वी ई एन ये आपकी इलेवन की स्पेलिंग है नेक्स्ट आपका क्या दे रखा फोर्टी फोर तो इसको कैसे लिखोगे एफ ओ यू आर टी वाई एफ ओ यू आर तो ये आपका क्या हो गया फोर्टी फोर इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्या है सेवनटी टू तो इसको सेवेंटी टू की फॉर्म में लिखना ठीक है फिर है आपका थर्टी वन इसको थर्टी वन लिख करके देखना किस तरीके से लिखते हैं ये बाकी के थ्री क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे कि किस तरीके से इसको लिखना है ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड ठीक है यानी पहले और बाद में जो नंबर्स आते हैं उनके बारे में मैंने बताया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे बेस है जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है फिल इन द प्लेस होल्डर यानी जो आपको इसमें जो मैंने सर्कल कर रखा है इसमें आपको एक नंबर फिलअप करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसे क्या दे रखा है यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा इज जस्ट बिफोर सिक्सटी सिक्सटी से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है सिक्सटी से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है फिफ्टी नाइन आता है फिफ्टी नाइन के बाद ही तो आप सिक्सटी लिखते हो और आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है इज़ जस्ट बिफोर सिक्सटी सिक्सटी से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा तो क्या लिखेंगे हम फिफ्टी नाइन इज जस्ट बिफोर सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है फोर्टी सिक्स इज जस्ट बिफोर फोर्टी सिक्स जस्ट किस से पहले आता है फोर्टी सिक्स के जस्ट मतलब फोर सिक्स फोर्टी जो सिक्स है वो किस जस्ट किससे पहले आएगा फोर्टी सेवन के पहले आएगा ठीक है यानी फोर्टी सेवन फोर्टी सिक्स के बाद ही तो आप फोर्टी सेवन लिखते हो तो फोर्टी सिक्स इज जस्ट बिफोर फोर्टी सेवन नेक्स्ट इसी तरीके से आपका क्वेश्चन दे रखा है बी पार्ट में नाइन्टी वन इज जस्ट आफ्टर नाइन्टी वन इज जस्ट आफ्टर यानी नाइन्टी वन जस्ट किसके बाद आता है आफ्टर का मतलब बाद में देखो यहाँ दो वर्ड याद रखना बिफोर यानी क्या होता है पहले ठीक है और आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया है इसने नाइन्टी वन इज जस्ट आफ्टर नाइन्टी वन जस्ट किसके बाद आता है किसके बाद आता है तो ये नाइन्टी के बाद आता है नाइन्टी के बाद ही तो आप नाइन्टी वन लिखते हो ठीक है तो जस्ट और बिफोर का मतलब यहाँ आपको समझ में आ गया बिफोर यानी पहले और जस्ट यानी बाद में तो आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बाकी के जितने भी आपके क्वेश्चन रह गए फाइव क्वेश्चंस ये आप खुद ट्राई करोगे जैसे यहाँ मैंने ब्लैंक दे दिया इज जस्ट आफ्टर 93 थ्री से जस्ट आफ्टर मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिस के जस्ट बाद क्या आता है 93 आता है तो 93 किसके बाद आता है 92 के बाद आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा 92 इसी तरीके से इज जस्ट बिफोर 71 71 से जस्ट पहले क्या आएगा क्या आता है सेवेंटी तो सेवेंटी इज़ जस्ट बिफोर सेवेंटी वन यानी सेवेंटी वन के बाद ही तो आपका सेवेंटी सेवेंटी के बाद ही आपका क्या आता है सेवेंटी वन आता है ठीक है इस तरीके से आपको एक ट्राई करते हैं करने हैं नेक्स्ट जैसे आपको दे रखा है कि आपको कोई दो नंबर दे दिए ठीक है कोई टू नंबर्स दे दिए उन टू नंबर्स के बिटवीन यानी बीच में आपको नंबर लिखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना द नंबर विच कम्स बिटवीन एटी वन एंड एटी थ्री एटी वन और एटी थ्री के बीच में हमारा कौन सा नंबर आता है एटी वन के बाद कौन सा आता है एटी टू तो एटी वन और एटी थ्री के बिटवीन यानी बीच में कौन सा नंबर आएगा एटी टू नंबर आएगा ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है क्या दे रखा है फिफ्टी सिक्स कम्स बिटवीन यानी फिफ्टी सिक्स है वो किस किस के बीच में आता है तो 56 से पहले वाला लिख दो और 56 से बाद वाला लिख दो तो 56 से पहले क्या आता है 55 और 56 के बाद क्या आता है 57 इसका मतलब 56 किस किस के बीच का नंबर है 55 और 57 सेवन ओके आई थिंक यू अंडरस्टैंड चलिए हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्या है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते होंगे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम मतलब क्या हो गया पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और लास्ट सबसे बड़ा जैसे आप देखते हो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग में क्या आता है आपका ए आता है ठीक है ए के बाद क्या आता है बी बी के बाद आपका क्या आता है सी सी के बाद आपका क्या आता है डी डी के बाद ई e. आप अल्फाबेट ऐसे ही तो सीखते हो ए कितने नंबर पे है वन पे बी कितने पे टू पे और सी कितने पे थ्री डी कितने नंबर पे आता है फोर पे और फाइव पे तो असेंडिंग नंबर में भी आपको क्या करना है देखो इसमें भी आप क्या कर रहे हो पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा ऐसे ही कर रहे हो तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया पहले आपको क्या करना है सबसे छोटा नंबर लेना है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा जैसे आपका इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें देखते हो नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन आपको खुद कर ट्राई uh, करना है मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया बढ़ता हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम का मतलब हो गया पहले हमें कौन सा नंबर लेना है सबसे छोटा नंबर लेना है ठीक है तो सबसे छोटा नंबर ढूंढो इसमें कौन सा है तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है इसमें थर्टीन तो सबसे पहले क्या आएगा थर्टीन थर्टीन के बाद हमारा कौन सा नंबर है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन के बाद कौन सा आता है इनमें देखो सबसे पहले कौन सा आता है सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री के बाद कौन सा नंबर आता है हमारा सेवेंटी फाइव ओके और सेवेंटी फाइव के बाद क्या आता है हमारा एटी वन तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कैसे लिखा हमने कि पहले हमने लिखा सबसे छोटा नंबर यानी वन नंबर पे आ गया फिर उससे बड़ा कौन सा है ट्वेंटी नाइन फिर इससे बड़ा कौन सा है सिक्सटी थ्री फिर इससे बड़ा सेवेंटी फाइव और फिर लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा आ गया एटी वन ओके समझ में आ गया होगा आपको

आपको सेकंड थर्ड फ्लोर पे और आपको वापस नीचे आना है ठीक है तो आप क्या करोगे पहले थर्ड फ्लोर से कहाँ आओगे टू नंबर पे आओगे फिर वन नंबर पे आओगे ऐसे ही तो करते हो तो डाउन का मतलब क्या हो गया पहले हम सबसे बड़ा लेंगे फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा ठीक है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं ट्राई कर आ, मैं समझा देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है ठीक है तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या मैंने क्या बताया घटता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा तो इसमें नंबर ढूंढो पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सबसे बड़ा है हमारा नाइन्टी फाइव तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे नाइन्टी फाइव फिर इससे छोटा देखो नाइन्टी फाइव से छोटा कौन सा है एटी वन तो हमारा यहाँ आ जाएगा एटी वन अब इससे छोटा नंबर कौन सा है सेवनटी तो यह आ जाएगा यहाँ पे सेवनटी अब सेवनटी से छोटा कौन सा नंबर है हमारा फिफ्टी सेवन तो यहाँ आ जाएगा फिफ्टी सेवन और लास्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है ट्वेंटी एट ठीक है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आया असेंडिंग आप याद रखो कैसे ए बी सी डी तो आप क्या करते हो पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा ठीक है और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है डाउन डाउन मतलब होता है नीचे जाना है, तो नीचे कैसे जाओगे पहले आप बड़ी चीज़ लिखोगे जैसे नाइनटी फाइव फिर उससे छोटी जैसे एटी वन ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है एडिशन दे रखा है तो एडिशन में हम ट्राई करते हैं देखो यहाँ टी और जीरो का मन नंबर मतलब क्या है जैसे आपने पढ़ा होगा ना सर ने आपको यूनिट्स पढ़ाई होंगी जैसे ये है हमारा वंस ठीक है फिर आता है हमारा टेंस ठीक है तो इसी तरीके से आपको यहाँ एडिशन करना है देखो वंस पे क्या दे रखा है आपका टू और यहाँ क्या दे रखा है थ्री तो आपको ऐड करने का तरीका मैंने बताया था पहले आप टू लाइन काउंट कर लो वन टू फिर कौन सी दे रखी है थ्री वन टू थ्री अब इनको काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा फाइव आंसर आ जाएगा ठीक है एडिशन तो बहुत ईजी इसी है इसीलिए आप कर लोगे ग ईजिली तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना नेक्स्ट आपका दे रखा है सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना भी सभी को आता है ठीक है ये टी और ओ का मतलब मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है वंस और इसका मतलब क्या होता है टेंस ठीक है तो हमारे यहाँ देखो क्या दे रखा है नाइन में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है फोर तो पहले आप नाइन लाइन काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है कितना लाइस करना है फोर ठीक है फोर माइनस करना है तो वन टू थ्री फोर माइनस कर दिया अब हमारे पास कितनी लाइन बच गई ये लाइन काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लाइन बच गई इसका मतलब हमारा इसका आंसर भी कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप ये खुद ट्राई करना क्योंकि सब्ट्रैक्शन वगैरह आपको सब कुछ सिखाया हुआ है ठीक है एडिशन भी आप ट्राई करना बाकी हम जो भी आपका न्यू टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ठीक है आपकी बुक से स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर